कौन से और जो आप लोग उसमें काम कर रहे हैं, दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर जॉब. आपने बाकी हेल्थ सर्विसेज को भी देखना है. ऑल्दो हम इस वक्त ज्यादा प्रेशराइज हैं कोविड की वजह से, लेकिन आने वाले दिनों में वी वुड बी हैविंग अ सेट फॉर्मेट फॉर ऑल डिस्ट्रिक्ट्स जिसके ऊपर हम परफॉर्मेंस को असेस करेंगे. और जब तक हम एक सेट फॉर्मेट नहीं रखेंगे, जो आपकी बात है, तो हम कैसे फिर असेस कर सकते हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस क्राइटेरिया पे, इस क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है या नहीं, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है. सो इंशाल्लाह आपने बिल्कुल ये सही कहा है, आने वाले दिनों में वी हैव प्लान्ड अ सेट फॉर्मेट और इंशाल्लाह वो आप लोगों के साथ में शेयर होगा, जिसमें हम इंडिकेटर्स देखेंगे कि आपने बाकी हेल्थ सर्विसेज को किस तरीके से लेके चल रहे हैं, बाकी प्रोग्राम्स को किस तरह लेके चल रहे हैं, हेल्थ सर्विस डिलीवरी आपके डिस्ट्रिक्ट में कितनी अच्छी है. वो सारे इंडिकेटर्स को देख के आपकी परफॉर्मेंस असेस होगी. सिर्फ आज तो देखिए एक मीटिंग है, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बहुत सारी मीटिंग डिस्ट्रिक्ट्स के साथ इसी तरीके की होंगी, जहाँ पे हम दोबारा मैं ये बात रिपीट कर रही हूँ कि हमने ये जो सेशंस हैं, ये एक एक्सपीरियंस शेयरिंग, प्रॉब्लम शेयरिंग और सोल्यूशन फाइंडिंग सेशंस हैं. इसको आप ये ना समझें कि यहाँ पे किसी को फेवरेटिज्म दिया गया या किसी को इग्नोर किया गया, ऐसी कोई बात नहीं है. दिस इज जस्ट अ स्टार्ट. हाँ, चूंकि इस तरह की कोई भी प्रैक्टिस पहले नहीं हुई है, शायद ये एक नई चीज़ हम सब के लिए हो कि हम इस तरह बैठ के अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें और अपने मसाइल का कोई दूसरा का हल. बट असेसमेंट वुड बी ऑन अ सेट फॉर्मेट जिसपे हम, मेरा ख्याल है उसमें किसी के साथ ज्यादती होगी और सबके साथ इंसाफ होगा इंशाल्लाह. अभी बैकलॉग ख़त्म किया है और अभी पिछले दिनों हमने हमारे पास, फिर मैं दोबारा ये कहूँगी कि बलूचिस्तान इज़ दी ओनली प्रोविंस जिसने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है जो कि सिर्फ कोविड वैक्सीनेशन और कोविड की टेस्टिंग वगैरह के हवाले से है, जिसमें बहुत हाई लेवल के सब लोग शामिल हैं. इसका हमने पिछले दिनों एक पहली मीटिंग इसकी हो भी चुकी है और उसमें हमने कुछ रीस्ट्रेटजाइज किया था, शायद आपके इल्म में हो भी. हमने क्योंकि मीडिया कवरेज आप लोग सब थे वहाँ पर उस मीटिंग में हमारे साथ, यही जो चीज़ें आपने जिनकी निशानदेही की, बिल्कुल हमें इदराक है इस बात का कि ये सब चीज़ें, ये इश्यूज़, ये प्रॉब्लम्स हैं. और चूंकि देखिए ये पहली दफ़ा एक चीज़ थी और उससे हम गुजर रहे थे, पहले नहीं देखा था, इट वॉज सॉर्ट ऑफ ट्रायल एंड एरर थिंग. हमने उसमें जो सबक हासिल किए, लेसन्स लर्न, क्या हमारे प्रॉब्लम्स आई, किस तरीके से उसको बेहतर कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें हमने डिस्कस की हैं. और अब आप देखेंगे कि बैकलॉग ख़त्म हो चुका है, जिन लोगों की वैक्सीनेशन अब हो रही है उनके फ़ौरन ही डेटा एंटर भी हो रहा है. तो ट्रायल एंड एरर से सीखते हैं, हम भी इंसान हैं, आप लोग निशानदेही करते हैं, उसके ऊपर हम अमल करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से बेहतर तौर पे हम मसाइल हल कर सकते हैं. देखिए क्योंकि हम एनसीओसी की गाइडलाइंस जो होती हैं उसी को फॉलो करते हैं. अब जिनकी हो चुकी है उनको ऐसा नहीं है कि कोई भी उनको कोई हमने सर्टिफिकेट या कोई लेटर या कोई ऐसी कार्ड नहीं दिया होगा, इस तरह तो वैक्सीनेशन किसी की भी नहीं की गई है. तो इफ़ यू हैव दैट एविडेंस ऑफ वैक्सीनेशन, आपको दोबारा वैक्सीनेशन नहीं की जाएगी, बट योर डेटा वुड बी एंटर्ड एंड यू विल बी गिवन वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट. ये है. देखिए कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ ऐसी हैं जो कि हम भी, जिनकी वजह से परेशान हैं कि ये क्यों इस तरीके से है. लेकिन टीम्स की जहाँ तक आप बात करें, देखिए हमेशा जो वैक्सीनेशन की टीम्स होती हैं दे आर सेंट्रली प्लेस्ड हमेशा, तो वो टीम्स आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे नहीं होती. यहाँ से जैसे कैंपेन्स होती हैं तो वी सेंड देम फ्रॉम क्वेटा. लेकिन इस वक्त हम ये जो मैंने आपसे कहा कि हम रीस्ट्रेटजाइज कर रहे हैं, इसमें ये भी चीज़ है कि हम इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विस की तरफ जा रहे हैं. जब हम इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विस पे जाएंगे तो आपका डिस्ट्रिक्ट स्ट्रेंथन होगा और आपके बेसिक हेल्थ यूनिट पर ज़्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी. जब हम बेसिक हेल्थ केयर पे और यूनियन काउंसिल के लेवल पे जब हम इंटीग्रेटेड सर्विस देंगे तो फिर ये वाला जो इशू है इसको हम ये शिकायत कम भी हो जाएंगी और फौरन कहीं पे अगर कोई आउटब्रेक होता है तो वो वहीं पे ही जो है कवर कर लिया जाएगा. तो ये तो चीज़ें चेंज हो रही हैं क्योंकि हमने पहला हेल्थ केयर कमीशन जो है वो बनाया है अभी. ये माजी में नहीं बना, ये पहली चीज़ है. और हेल्थ केयर कमीशन जैसे ही इन प्लेस हो जाता है और इन्फोर्स हो जाएगा तो आपकी ये जितनी तमाम शिकायत हेल्थ केयर सेक्टर के हवाले से आ रही हैं ये इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी.